Non-Stop 100. सियाचिन में बर्फीले तूफान में फंसे सेना के 10 जवानों के शहीद होने की सेना ने की पुष्टि, शवों की तलाश जारी। बर्फीली चोटियों पर सरहद पर हर वक्त तैनात रहते हैं सियाचिन के जवान। बुधवार सुबह आया था बर्फीला तूफान। सेना के शहीद जवानों को पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। शहीद हुए 10 जवानों का संबंध मद्रास बटालियन से था। 9 जवान और एक जेसीओ हुए हादसे का शिकार, कैंप के पास कर रहे थे पेट्रोलिंग। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोरा ने भी हादसे पर जताया हैरानी और दुख। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी दी श्रद्धांजलि। एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल का आज 10वां दिन। दिल्ली में जगह जगह कूड़े का अंबार, आज भी जारी रहेंगे धरना और प्रदर्शन। गुरुवार को नहीं एलजी नजीब जंग और तीनों मेयर से मिले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, गतिरोध फिर भी बरकरार। बैठक के बाद मेयर का बयान, सिसोदिया ने माना एमसीडी को 300 से 400 करोड़ की जरूरत पर एलजी और सीएम से बात करने के बाद फैसला। एमसीडी हड़ताल से जुड़ी याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, दिल्ली हाईकोर्ट में पहले से चल रहे केस का दिया हवाला। दिल्ली की डिप्टी सीएम सिसोदिया ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लिखी चिट्ठी, एमसीडी अस्पतालों के अधिग्रहण की संभावनाएं तलाशने और प्रक्रिया शुरू करने को कहा। आज डिब्रूगढ़ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गेल के असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। दोपहर 12 बजे शिवसागर पहुंचेंगे पीएम, आध्यात्मिक संस्था श्री माता संस्कार संघ के 85वें कन्वेंशन को करेंगे संबोधित। दोपहर 2 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे मोदी, डिब्रूगढ़ के मोरान पोली ग्राउंड में होगा आयोजन। आज से गुवाहाटी में साउथ एशियन खेलों का भी होगा आगाज, शाम 5 बजे पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। विशाखापट्टनम में आज इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का दूसरा दिन, 50 से ज्यादा देशों के 70 युद्धपोत कर रहे हैं ताकत की नुमाइश। बैंगलोर में तंजानियाई मूल की लड़की से बदसलूकी मामले में हरकत में आया विदेश मंत्रालय, जांच के लिए बैंगलोर भेजेगा टीम। विदेश मंत्रालय के हरकत में आने के बाद जागी बैंगलोर पुलिस, 2 दिन बाद दर्ज किया केस, 5 आरोपी गिरफ्तार। सुषमा स्वराज ने घटना पर ली उच्च स्तरीय बैठक, बैंगलोर कमिश्नर ने लिखित जवाब में मंत्रालय को दिलाया भरोसा भविष्य में नहीं होगी ऐसी घटना। बांग्लादेश के विदेश मंत्री शहरयार आलम ने की दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात, ईरान के पैसिफिक मामलों के मंत्री इब्राहिम से मिली सुषमा। नर्सरी एडमिशन को लेकर दिल्ली सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के आदेश पर लगाई रोक। सरकार ने 6 जनवरी को जारी किया था मैनेजमेंट कोटा रद्द करने का आदेश, अदालत ने कहा स्कूलों की ऑटोनॉमी नहीं छीन सकती सरकार। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी सरकार, कहा बच्चों को सुलभ शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी। रियान स्कूल हादसे में मरने वाले बच्चे दिव्यांश के घर पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, परिवार से की मुलाकात। दिव्यांश मामले की सीबीआई जांच की मांग के लिए दिल्ली में निकाला गया कैंडल मार्च, दिव्यांश का परिवार भी हुआ शामिल। निजी क्षेत्र में आरक्षण का फिर निकला जिन, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने की कानून बनाने की मांग। शाहरुख और सलमान के खिलाफ खारिज हुई याचिका पर मेरठ की अदालत में रिवीजन पिटीशन एडमिट, 8 मार्च को होगी सुनवाई। बिग बॉस के एक सीन में मंदिर में जूते पहनने का है मामला, पहले कोर्ट ने खारिज की थी याचिका, हिंदू महासभा ने एडमिट कराई रिविजन। सुप्रीम कोर्ट में हिट एंड रन केस में सुनवाई, सलमान खान ने कोर्ट में कैवियट के जरिए रखी अपना पक्ष सुनने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में डीडीसी के मामले में अरुण जेटली के केस पर सुनवाई, कोर्ट ने दिल्ली में केजरीवाल समेत तमाम आरोपियों से मांगे थे दस्तावेजों की मूल प्रति। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में की अपील, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में प्रथम दृष्टया आरोप बनने से जुड़ी टिप्पणी की थी, निचली अदालत के सामने पेश होने का दिया था आदेश। आदर्श घोटाले की जांच के घेरे में आया अशोक चव्हाण, राज्यपाल ने दी चव्हाण के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी। अशोक चव्हाण ने फैसले को बताया राजनीतिक, कहा एक बार राजभवन से मांग ठुकराए जाने के बाद इजाजत देना नियमों के खिलाफ। अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने की लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात, आतंक के खिलाफ लड़ाई पर की चर्चा। 23 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र, 25 फरवरी को पेश होगा रेल बजट, 29 फरवरी को आएगा आम बजट, 2 हिस्सों में 13 मई तक चलेगा सेशन। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का महिला कार्ड, पंचायत चुनावों में 50% तक हो सकता है महिलाओं का कोटा।
ओवैसी ने यूपी चुनावों में दलित मुसलमान गठजोड़ के दिए संकेत। फैजाबाद उपचुनाव के प्रचार अभियान में की साथ आने की अपील। मुलायम अखिलेश को दी यूपी आने से रोकने पर चुनौती। ओवैसी ने आईएसआईएस पर दिया बयान, कहा मेरा या पार्टी का आईएसआईएस से कोई नाता नहीं। पटना में शत्रुघ्न सिन्हा के कार्यक्रम से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए विरोध में पोस्टर। शॉटगन के होटल के बाहर लिखा पार्टी से शत्रुघ्न को किया जाए बाहर। गोवा पुलिस ने आईएसआईएस से जुड़े होने के शक में युवक को किया गिरफ्तार। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का बेटा है आरोपी समीर सरदाना। समीर सरदाना के पास 7 मोबाइल और 5 पासपोर्ट जब्त। हाल ही में समीर ने किया था इस्लाम धर्म कबूल। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट समीर कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कर चुका है काम। नौकरी के सिलसिले में हांगकांग, मलेशिया और यूएई भी जा चुका है आरोपी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में मार गिराया गया एक आतंकी, दूसरे की तलाश जारी। बांदीपोरा में एक घर में छिपे थे आतंकी, आतंकियों का संबंध लश्कर से होने का शक। बीएसएफ ने दिया ऑपरेशन को अंजाम। सीबीआई ने अरबपति इंजीनियर यादव सिंह को किया कोर्ट में पेश। 6 दिन की कस्टडी में भेजा गया यादव सिंह को। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के पास यादव सिंह की 39 प्रॉपर्टीज का विवरण, पत्नी, बेटी और बेटे के अलावा खुद के नाम पर भी कई प्रॉपर्टीज। मुरूड बीच हादसे का शिकार छात्रों को श्रद्धांजलि सभा के दौरान हंगामा। कॉलेज प्रेसिडेंट ने मृतकों के अभिभावकों को दिखाया बाहर का रास्ता। मुरूड बीच हादसे से कुछ देर पहले की तस्वीरें सामने आई। हादसे से पहले साथी छात्रों के साथ खिंचवाई थी ग्रुप फोटो। सीसीटीवी में कैद मुंबई में चड्डी बनियान गैंग का आतंक। अभिनेत्री लवी सासन के घर लाखों का सामान लूटा। पटना सिटी में फैक्ट्री से निकले जहरीले पानी के कारण 80 बीघा में फैले तालाब में मछलियों की मौत। मछुआरों की मांग, फैक्ट्री मालिक करे भरपाई। पंजाब के पटियाला में महिला ने मनचले को सिखाया सबक। गैस बुकिंग एजेंट को अश्लील बातें करने पर भरे बाजार, पीटते हुए पहुंचाया थाने। लखनऊ में भदोही के एसपी विधायक जाहिद बेग की साइकिल ले उड़े चोर। विधायक की साइकिल ढूंढ रही है पुलिस। डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में 25 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। कटिहार पहुंचाई जाने वाली थी नशे की खेप। बांकुरा के सोनामुखी पुलिस थाने में 30 बीघा में फैली नशे की अवैध खेती, पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने की नष्ट। रोहतक में पत्नी ने आशिक के साथ मिलकर की पति की हत्या। पति का दोस्त था पत्नी का आशिक, दोनों आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में सरेआम महिला के काटे बाल, बेरहमी से की पिटाई। अवैध संबंधों का था आरोप। घटना के वीडियो में दिख रही है लोगों की संवेदनहीनता। मोबाइल से वीडियो लेते ठहाके लगा रहे हैं लोग। पुलिस ने दर्ज किया आरोपियों के खिलाफ मामला, अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी। जख्मी महिला अस्पताल में भर्ती। पंजाब के तरन तारण में 2 किलो हेरोइन के साथ 2 लोग गिरफ्तार। पाकिस्तान से नशे की खेप लेकर आ रहे थे पिता पुत्र। पटना मुकामा रेलखंड के बख्तियारपुर स्टेशन पर रेलवे पुलिस की ज्यादती। बेटिकट सफर करने पर युवक को बेरहमी से पीटा। मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के लिए मिड डे मील खाना पड़ा भारी। 35 बच्चे बीमार, 8 की हालत नाजुक। राजस्थान के जोधपुर में नाबालिग नेपाली युवती ने डॉक्टर के घर में संदिग्ध हालत में फंदा लगाकर की खुदकुशी। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के धौलपुर में हादसे का शिकार हुई बारातियों से भरी डीसीएम गाड़ी। 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। दिल्ली के एसआरसीसी में बिजनेस कॉन्क्लेव 2016 के दूसरे दिन कई मसले पर बोले एयरटेल प्रमुख सुनील भारती मित्तल। कहा फ्लाइंग कार हो सकती है हकीकत, नेट न्यूट्रलिटी का किया समर्थन। 2 महीने पहले चेन्नई में आई बाढ़ की तबाही से बर्बाद हुई हजारों कीमतों की कारों का हुआ सौदा। बेहद कम कीमतों में बिकी कारें। ऑटो एक्सपो में जॉन अब्राहम ने लॉन्च की यामाहा की सुपर बाइक। जॉन की झलक पानी को उमड़ी भीड़। आज से आम लोगों के लिए खुलेगा ऑटो एक्सपो। ऑटो एक्सपो में सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे। एमआरएफ ब्रांड से जुड़े हैं सचिन। महिंद्रा के कमर्शियल व्हीकल लॉन्च में पहुंचे अभिनेता मनोज वाजपेयी। बुलंदशहर में डीएम बी चंद्रकला के साथ सेल्फी खिंचवाने की कोशिश करना पड़ा युवक को महंगा। डीएम ने युवक को भिजवाया जेल। सूरत में 29 फरवरी को हुए सड़क हादसे की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। बाइक सवार युवक को महिंद्रा एसयूवी कार ने मारी टक्कर। 7 दिन से कोमा में है बाइक सवार युवक। पुलिस नहीं कर पाई कार चलाने वाले की तलाश। तस्वीरों में कैद गाड़ी पर नहीं थी नंबर प्लेट।
मेरठ के रिंकू हत्याकांड में अपनी ही थ्योरी से पलटी पुलिस, रिंकू के दोस्तों को किया गिरफ्तार, पहले रिंकू की गर्लफ्रेंड और उसके रिश्तेदारों को बताया था हत्यारा। पश्चिम बंगाल में पंचायत के फैसले में दखल देना पुलिस को पड़ा भारी, गांव वालों ने घंटों तक बनाए रखा बंधक, हवाई फायरिंग कर जान बचाकर भागे पुलिस वाले। राजौरी के नौशेरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बड़ी संख्या में ग्रेनेड और जिंदा कारतूस किए बरामद। मुंबई के गोरेगांव में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गया था आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई में बीती रात वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हुआ बेकाबू ट्रक, एक अन्य ट्रक को मारी टक्कर, दोनों ड्राइवर जख्मी। बिहार के सहरसा दौरे पर आए राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष असदुल्लाह बुखारी ने पीडीएफ डीलर्स पर साधा निशाना, राज्य के 90,000 पीडीएफ डीलर को बताया चोर। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में बदमाशों ने किसान के घर पर बोला धावा, 3 साल की बच्ची को मारी गोली। पर्दे पर फिर दिखेगी रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की जोड़ी, साजिद नाडियाडवाला के अगले प्रोजेक्ट में दोनों दिखेंगे साथ। ऐश्वर्या राय के साथ केमिस्ट्री से खुश हैं रणबीर, साल के आखिर में रिलीज होने वाली फिल्म ए दिल है मुश्किल में दिखेगा ऐश, रणबीर और अनुष्का का लव ट्राइंगल। विश्व हिंदू परिषद के विरोध के बावजूद शाहरुख की फिल्म रईस की शूटिंग भुज में जारी, प्रोड्यूसर रितेश रिजवानी ने ट्विटर पर लिखा सरकार और पुलिस का पूरा सहयोग मिला। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल नहीं होंगी नंदिता दास, भारत से जाने वाले 18 मेहमानों में थी शामिल, खराब तबीयत का दिया हवाला। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की खास मुहिम, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमाघर और मिठाई की दुकानों पर बेटियों के माता पिता को छूट देने का बनाया नियम। विश्व विजेता टीम चुनने के लिए आज सिलेक्शन कमेटी करेगी माथापच्ची, वर्ल्ड T20 और एशिया कप के लिए होगा टीम का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली टीम में बड़े बदलाव की उम्मीद कम, मनीष पांडे, रहाणे और हरभजन को लेकर असमंजस। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर लगाई बीसीसीआई को फटकार, लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने के लिए दिया 3 मार्च तक का वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर बोर्ड ने नहीं उठाया कोई कदम तो लोढ़ा समिति को ही बीसीसीआई में सुधार लाने का देंगे जिम्मा। रवि शास्त्री ने की विराट कोहली की जमकर तारीफ, कहा कोहली का बैटिंग स्टाइल दिलाता है उन्हें विव रिचर्ड्स की याद। धवन के साथ सलामी जोड़ी पर रोहित शर्मा का बयान, सचिन सौरभ की जोड़ी से बराबरी के लिए अभी करनी होगी और मेहनत। रविंद्र जडेजा ने घर बसाने का किया फैसला, आज राजकोट में होगी रीवा सोलंकी के साथ सगाई। तेज गेंदबाज वरुण रॉन भी शादी के बंधन में बंधे, जमशेदपुर की रहने वाली रागिनी सिंह के साथ चर्च में की शादी। सरदार सिंह ने महिला से संबंधों से भी किया इनकार, कहा कानूनी प्रक्रिया का करता हूं सम्मान, पुलिस की जांच में करूंगा मदद। आज लंदन में सीरिया डोनर्स कॉन्फ्रेंस 2016 की होगी शुरुआत, शरणार्थी संकट से निपटने के लिए $1 बिलियन जुटाने की चुनौती। सोमालिया से उड़ान भरने के बाद डालो एयरलाइंस का विमान हुआ हादसे का शिकार, एक यात्री की मौत, उड़ान के दौरान विमान हुआ था धमाका। चीन में नए चंद्रवर्ष की तैयारियां जोरों पर, 8 फरवरी को होगा चंद्रवर्ष, पर्यटकों के लिए कई प्रांतों में खूबसूरत रोशनी का इंतजाम। अमेरिका के एरिजोना की पहाड़ियों में जगुआर की तस्वीर हुई रिमोट सेंसर कैमरे में कैद, अमेरिका का एकमात्र जंगली जगुआर होने का दावा। बिहार के 60 दलित छात्रों की खुदकुशी की खबर आज तक पर दिखाए जाने के बाद बिहार सरकार हरकत में आई। बिहार सरकार ने छात्रों की छात्रवृत्ति की रकम की पहली किश्त 17,39,770